माँ एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है अभी तो। कैसे कंपैरिजन करेंगे फैंस, क्या होगा रॉकी भाई का अगला कदम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जल्दी KGF 3 सिनेमाघरों में फिर से दस्तक देने वाली है, जब से प्रशांत नील ने इस खबर को पक्का किया है, फैंस की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। जहाँ आपने KGF 2 में देखा था कि रॉकी भाई अपने सोने से भरे शिप को छोड़कर पानी में डूब गए थे, तब से ही फैंस के मन में ये सवाल है कि सच में रॉकी भाई मर गए क्या, या फिर कहानी में और कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, आने वाली कहानी में ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने अपने मरने की कहानी झूठी बनाई थी ताकि वो आने वाले समय में अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके और साथ में वो अपना वो सपना पूरा कर सके जिसमें वो पूरे देश पर राज करना चाहता था। और उसके साथ ही फिल्म CI की एंट्री दिखाई जाएगी जिसमें रमिका सेन से वो कहते नजर आएंगे कि रॉकी ने कई देशों में जाकर वहां के सिस्टम से गलत तरीके से खेला है, हमें रॉकी किसी भी हाल में चाहिए ताकि हम उसे सजा दे सकें। जी बिल्कुल आपने सही समझा, जैसा कि हमने बताया था कि रॉकी कई देशों में जाकर अपने काम को आगे बढ़ाएगा, जैसे उसने अमेरिका, इंडोनेशिया और भी कई देशों में जाकर गलत काम किए और दिखाया जाएगा कि रॉकी ने विदेशों में अपने काम को कैसे आगे बढ़ाया। खबरों की माने तो फिल्म में जिमी कार्टर की एंट्री हो सकती है जिसमें वो रॉकी भाई की मदद करते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिमी कार्टर के पास एक बहुत बड़ी सबमरीन है जिसकी जरूरत फिल्म में रॉकी भाई को पड़ने वाली है, और साथ ही जिमी इनकी इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि उन्हें USA का प्रेसिडेंट बनना है, जिसके लिए रॉकी भाई उसकी मदद करेगा। फिल्म में जिमी कार्टर अपना सबमरीन देंगे ताकि रॉकी भाई का जितना सोना पानी में गया है उसे वापस निकाल सकें। फिल्म में रमिका सेन को अपनी इलेक्शन की तैयारी करते हुए दिखाया जाएगा, साथ ही अधीरा अपनी जंग की तैयारी करते दिखेंगे। फिल्म का बजट इस बार 500 करोड़ से ऊपर का है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में इस बार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेंगे और साथ ही बहुत बड़े बड़े कारनामे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्या आप KGF 3 के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़।